वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। आपने मेरी रचना पढ़ी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारे साहित्यिकों की भारी विशेषता यह है कि जिसे देखो वही गंभीर बना है, गंभीरतत्ववाद पर बहस कर रहा है और जो कुछ भी वह लिखता है उसके विषय में निश्चित धारणा बनाए बैठा है कि वह एक क्रांतिकारी लेख है। जब आए दिन ऐसे ख्यात अख्यात साहित्यिक मिल जाते हैं जो छूटते ही पूछ बैठते हैं, आपने मेरी अमुक रचना तो पढ़ी होगी, तो उनकी नीरस प्रवृत्ति या विनोद प्रियता का अभाव बुरी तरह प्रकट हो जाता है। एक फिलासफर ने कहा है कि विनोद का प्रभाव कुछ रासायनिक सा होता है। आप दुर्दांत डाकू के दिल में विनोद प्रियता भर दीजिए, वह लोकतंत्र का लीडर हो जाएगा। आप समाज सुधार के उत्साही कार्यकर्ता के हृदय में किसी प्रकार विनोद का इंजेक्शन दे दीजिए, वह अखबार नवीस हो जाएगा और यद्यपि कठिन है फिर भी की संयुक्ति से उदीयमान छायावादी कवि की नाड़ी में थोड़ा विनोद भर दीजिए, वह किसी फिल्म कंपनी का अभिनेता हो जाएगा। एक आधुनिक चीनी फिलासफर को दिन रात यह चिंता परेशान करती रहती है कि आखिर लोकतंत्र के नेताओं और डिक्टेटरों में अंतर क्या है। यदि आप सचमुच गंभीरतापूर्वक छानबीन करें तो रूजवेल्ट और स्टालिन में कोई मौलिक अंतर नहीं मिलेगा, या दूर की बात छोड़िए गांधी और जिन्ना में कोई अंतर नहीं है। जहां तक शक्ति प्रयोग का प्रश्न है, गांधी की बात भी कांग्रेस के लिए कानून है और जिन्ना की बात भी मुस्लिम लीग के लिए वेद वाक्य है, फिर भी एक डेमोक्रेट है और दूसरा डिक्टेटर। क्यों? चीनी फिलासफर ने 4 वर्ष का निरंतर साधना के बाद आविष्कार किया कि डेमोक्रेट हंसना और मुस्कराना जानता है, पर डिक्टेटर हंसने की बात सोचते भी नहीं। उनको आप जहां भी देखें और जब भी देखें, उनकी भरी कुटियां तनी हुई हैं, मुठियां बंधी हुई हैं, ललाट कुंचित हैं, अधरोष्ठ दांतों की उपांतरेक के समानांतर जमा हुआ है, मानो ये अभी दुनिया को भस्म कर देना चाहते हैं। अगर इन शक्तिशाली डिक्टेटरों में हंसने का थोड़ा सा मादा होता तो दुनिया आज कुछ और हो गई होती। जब जब मैं कलकत्ते के चिड़ियाघर में गया हूँ, तब तब मुझे ऐसा लगा है कि संसार के जीवों में सबसे अधिक गंभीर और चिंतामग्न चेहरा उस चिड़ियाघर में रखे हुए एक वनमानुष का है। उसको देखते ही जान पड़ता है कि संसार की समस्त वेदना को वह हस्तामलक की भांति देख रहा है और अपनी सुदूर पतिनी दृष्टि से इन आने जाने वाले दर्शकों के करुण भविष्य को वह प्रत्यक्ष देख रहा है। मैंने बाद में पढ़ा है कि अफ्रीका के हबशियों में यह विश्वास है कि वनमानुष मनुष्य की बोली बोल भी सकते हैं और संसार के रहस्य को भली भांति समझ भी सकते हैं, परंतु इस डर से बोलते नहीं कि कहीं लोग पकड़कर उन्हें गुलाम न बना लें। यह बात जब तक मुझे नहीं मालूम थी, तब तक मैं समझता था कि यह कलकत्ता वाला वनमानुष ही बहुत गंभीर और तत्वचिंतक लगता है। अब मैंने अपनी राय में संशोधन कर लिया है। वस्तुतः संसार के सभी वनमानुष गंभीर तत्वदर्शी दिखाई देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आदिम युग का मनुष्य, जबकि वह वानरी योनि से मानवी योनि में नया नया आया था, कुछ इस कलकतीय वनमानुष की ही भांति गंभीर रहा होगा। मगर यह भी कैसे कहूँ, जेब्रा और ग भी मुझे कम गंभीर नहीं लगते, तथा गधे और ऊंट भी इस सूची से अलग नहीं किए जा सकते। फिर भी इनकी तुलना वनमानुष से नहीं की जा सकती। अंततः गधे और वनमानुष की गंभीरता में मौलिक भेद है। गधा उदास होता है और इसलिए नकारात्मक है, पर वनमानुष सोचता हुआ सा रहता है और इसीलिए उसकी गंभीरता में कुछ तत्व है, कुछ सार है। गधे की गंभीरता प्रोलेतारियत की उदासी है और वनमानुष की गंभीरता वर्गवादी मनीषी की। दोनों को एक श्रेणी में नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आदि मानव कुछ गंभीर, कुछ तत्वचिंतक और कुछ उदास जरूर था, और उसकी उदासी वर्गवादी विचारक की उदासी की जाति की ही रही हो। ऐसा भी हो सकता है, सच पूछिए तो शुरू शुरू में मनुष्य कुछ साम्यवादी ही था। हंसना हंसाना तब शुरू हुआ होगा जब उसने कुछ पूंजी इकट्ठी कर ली होगी और संचय के साधन जुटा लिए होंगे। मेरा निश्चित मत है कि हंसना हंसाना पू जीवादी मनोवृत्ति की उपज है। इस युग के हिंदी साहित्यिक जो हंसना नापसंद करते हैं, उसका कारण शायद यह है कि वे पूंजीवादी बुर्जुआ मनोवृत्ति को मन ही मन घृणा करने लगे हैं। उनकी युक्ति शायद इस प्रकार है, चूंकि संसार के सभी लोग हंस नहीं सकते, इसलिए हंसी एक गुनाह है, और चूंकि संसार के सभी लोग थोड़ा बहुत रो सकते हैं, इसलिए रोना ही वास्तविक धर्म है। फिर भी अधिकांश साहित्यिक रोते नहीं, केवल रोनी सूरत बनाए रहते हैं। जिसे थोड़ा सा भी गणित सिखाया गया हो, वह बहुत आसानी से इस आचरण की युक्तियुक्तता समझ सकता है। मैं समझा रहा हूँ, यह तो स्वसिद्ध बात है कि दुनिया में सुख की अपेक्षा दुख अधिक है, अर्थात रोध न हास्य से अधिक है। अब सारी दुनिया के रोदन को बराबर बराबर बांट दीजिए और हंसी को भी बराबर बराबर बांट दीजिए। स्पष्ट है कि सबको रोदन हास्य से ज्यादा मिलेगा। अब रोदन में से हास्य घटा दीजिए, कुछ रोदन ही बच
रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ मिलेगा उससे फूट फूट कर तो नहीं रोया जा सकता, पर चेहरा जरूर रुआंसा बना रहेगा। यह युक्ति मुझे तो ठीक जंचती है, लेकिन युक्ति का ठीक जंचना साहित्य की आलोचना के क्षेत्र में सब समय प्रमाण स्वरूप ग्रहण नहीं किया जाता। रहस्यवादी आलोचक यह नहीं मानते कि युक्ति और तर्क में ही सब कुछ है। मैंने आलोचक शब्द के विशेषण के लिए रहस्यवादी शब्द किसी को चौंका देने की मंशा से व्यवहार नहीं किया है। बहुत परिश्रम के बाद मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि हिंदी में वस्तुतः रहस्यवादी कवि हैं ही नहीं। यदि कोई रहस्यवादी कहा जा सकता है तो वह निश्चय ही एक श्रेणी का आलोचक है। जहाँ तक हिंदी बोलने वालों का संबंध है, रहस्यवादी साधु और फकीर तो बहुत हैं, पर वे सब साधना की दुनिया के जीव हैं। साहित्य की दुनिया में रहस्यवादी जीव यदि कोई है तो वे निश्चय ही एक तरह के आलोचक हैं। और जब कभी मैं रहस्यवाद शब्द की बात सोचता हूं तो काशी के भदैनी मोहल्ले की सड़क पर साधना करने वाला रहमतौली फकीर मेरे सामने जरूर आ जाता है। यह फकीर मन, वचन और कर्म तीनों से विशुद्ध रहस्यवादी था। अनिकेत वह जरूर था, पर उसके बड़े से बड़े निंदक को भी यह कहने में जरूर संकोच होगा कि वह स्थिरमती भी था। सो, मैंने एक दिन देखा कि यह रहमतौली शून्य की ओर आंखें उठाए हुए किसी अदृश्य वस्तु पर निरंतर प्रहार कर रहा है। लात फूंके, खूंसे, एक दो तीन लगातार। दर्शक तो वहां बहुत थे, कुछ सहमे हुए, कुछ भक्तियुक्त, कुछ यूं ही से और कुछ गंभीर, एकाध मुस्करा भी रहे थे। इन्हें देखकर ही मुझे रहस्यवादी आलोचकों की याद आई। सारा कान द कुछ ऐसा अजीब था कि विनोद की एक हल्की रेखा के सिवा तत्वज्ञान तक पहुंचा देने का और साधन ही नहीं था। तब से जब देखता हूं कि कोई शून्य की ओर आंखें उठाए है और किसी अदृश्य वस्तु पर निरस्त प्रहार कर रहा है, तब मुझे रहस्यवाद की याद आए बिना नहीं रहती। सो, यह रहस्यवादी दल युक्ति नहीं माना करता। युक्ति शब्द में ही युजती किसी वस्तु से योग का संबंध है, और यह मान लिया गया है कि योग दृश्य वस्तु से ही स्थापित किया जा सकता है। अदृश्य के साथ योग कैसा? आसमान में निरंतर मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं है, और मैं निश्चित जानता हूं कि रहस्यवादी आलोचना लिखना कुछ हंसी खेल नहीं है। पुस्तक को छुआ तक नहीं और आलोचना ऐसी लिखी कि त्रैलोक्य विकंपित। यह क्या कम साधना है? आए दिन साहित्यिकों के विषय में विचार होता ही रहता है, और इन विचारों पर विचार लिखने वाले बुद्धिमान लोग गंभीर भाव से सिर हिलाकर कहते हैं, आखिर साहित्यिक कही किसे? बहसें होती हैं, अखबार रंगे जाते हैं, मेरे जैसे आलसी आदमी भी चिंतित हो जाते हैं, और अंत में सोचता हूं कि साहित्यिक तो साहित्य के संबंधी को ही कहते हैं न। सो, संबंध तो कई तरह का है। बादरायण एक है, आपके घर अगर बेर के फल हैं, मेरे घर बेर के पेड़, तो इस संबंध को पुराने पंडित बादरायण संबंध कहेंगे। साहित्य से संबंध रखने वाले जीव पांच प्रकार के हैं, लेखक, पाठक, संपादक, प्रकाशक और आलोचक। सबके क्षेत्र अलग अलग हैं। पढ़ने वाला आलोचना नहीं करता, आलोचना करने वाला पढ़ता नहीं, यही तो उचित नाता है। एक ही आदमी पढ़े भी और लिखे भी, या पढ़े भी और आलोचना भी करे या लिखे भी, इत्यादि इत्यादि, तो साहित्य में अराजकता फैल जाए। इसीलिए कोई जब एक लेखक से पूछता है कि आपने मेरी अमुक रचना पढ़ी, तब जी में आता है कि कह दूं, डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारे दिमाग में कुछ दोष है। पर डॉक्टर क्या करेगा? विनोद का इंजेक्शन किसी फैक्ट्री ने अभी तक तैयार नहीं किया, इसलिए मुस्कुराकर चुप लगा जाता हूँ। मेरे एक होम्योपैथी मित्र का दृढ़ मत है कि विनोद की कमी दूर करने के लिए कोई इंजेक्शन तैयार किया जा सकता है। वह इस बात का प्रयत्न भी कर रहे हैं कि किसी हंसोड़ की छाया किसी तरह अल्कोहल में घुलाकर उस पर से विनोद की दवा तैयार करें और चिकित्सा की और साहित्य की दुनिया में एक ही साथ क्रांति कर दें। पर वह अभी प्रयोगावस्था में ही हैं। तब तक मुझे भी सब सहना पड़ेगा और सहे भी जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe.